आगे। कि ये कार्यशाला का मकसद यही है कि इन लोगों को ओरिएंट किया जाए, जो आज पूरे देश का आमूल चूल परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है, और नगर क्षेत्र जो हमारा नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ये हमारे विकास की धुरी है, इनको इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और उसके मेयर के रूप में, उसके अध्यक्ष के रूप में इनकी जो पहली जिम्मेदारी बनती है, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, लोगों ने इनको वोट देकर के अध्यक्ष बनाया है या उन्हें मेयर बनाया है। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे आज जो देश परिवर्तित हो रहा है, जो नगर क्षेत्र जो है तमाम सारे मिशंस के माध्यम से परिवर्तित हो रहे हैं, उस काम को कैसे ये लोग सुचारू रूप से लेंगे। इनको तो काम ये भी है कि देखिए आप अगर करें कि एयर, वाटर और दूसरा जो है धरती, यानी तीनों के तीनों, पहला कि एयर पोल्यूशन कम हो, दूसरा इसकी जो है हमारा वाटर पोल्यूशन कम हो, और तीसरा हमारा धरती के ऊपर पोल्यूशन कम हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आप इसको जो इतना तेजी से काम हो रहा है, पूरे देश में काम चल रहा है, तो स्वच्छ भारत के मिशन के माध्यम से आप कैसे जो पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कैसे करेंगे, कैसे हमारा जो अमृत योजना के माध्यम से वाटर का जो, चाहे वो सीवर और सेप्टेज के माध्यम से या FSSTP फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के माध्यम से, या एयर पोल्यूशन के बारे में ऐसी जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, या आपको जो है कैसे कंपटीशन का जो वो करेंगे, इसको कैसे बढ़ाएंगे, ये अपने रोड्स को कैसे ठीक करेंगे, ये एक बहुत बड़ी इनके पास मौका है कि जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों को ज़िंदगी आसान हो, लोग जिन आकांक्षाओं को लेकर के गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं उन आकांक्षाओं को पूर्ति करें। और इसका पूरा का पूरा एक धरातल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रदेश में तैयार किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में, क्योंकि मैं तो देश का अर्बन सचिव रहा हूँ और बड़े लंबे पीरियड में मैंने सेवा की है, तो ये और पूरे देश को परिवर्तित हुए देखा, तो ये उस परिवर्तन के लिहाज में इसका एक ध्वजवाहक बनेंगे। एक सवाल जो आपके अभी स्पीच से निकला है वो ये कि नगरीय विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो खेती का एरिया है वो कम होगा, ये संतुलन कैसे बनेगा सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा है, नगरीय विकास होने से ग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगरीय विकास होने से क्या फर्क पड़ेगा कि गाँव में जो एक ओवर क्राउडिंग है, जो गाँव में खेती के ऊपर आप देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, मैंने लोग जो अगर उस खेत में एक आदमी काम कर सकता है उसकी जगह पे 10 आदमी काम करते हैं, 5 आदमी का वो कम होगा। ये विकास का जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक विकसित भारत की जो उनका जो सपना है कि 2047 में जब 100वीं जयंती मनाएंगे अपने आज़ादी का, तो देश हमारा विकसित होगा। किसी भी विकसित देश को देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर उपज कम हो गई, वहाँ पर चाहे वो हमारे खाद्यान्न की उपज हो, चाहे हमारी जो फिशरीज़ के बारे में हो, पोल्ट्री के बारे में हो, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, वो बहुत ज़्यादा होती है, आप किसी भी देश को उठा के देखिए। लेकिन उसके ऊपर जो हमारा लेबर की जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाती है, वो लेबर हमारा शहर में आ जाता है, और आप चाहेंगे ये चाहेंगे कि हमारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर, जब कोई भी आदमी एक थोड़ा सा वो बेहतर होता है तो वो जाता है शहर में भागता है, गाँव से शहर की तरफ भागता है, और शहर में आकर के वो एक अच्छी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, परिवार को बेहतर स्वास्थ्य दे सकता है, लोगों को अच्छे मनोरंजन के साधन दे सकता है, लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं, उसको रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिल सकती है, तो शहर में आएगा, ये हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना पूरे दुनिया का, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने जो पूरा देश भर दुनिया भर में देखा है, ये पूरे दुनिया का ये फिनोमेना है, और हमारे भारत में उसका कोई अपवाद नहीं होगा। लेकिन ये हमारे शहर में जो उसका एक अर्बन प्लानिंग, मैं अभी बात नहीं कर पाया समय की कमी के नाते, अर्बन प्लानिंग ऐसी हो कि जिसके माध्यम से जब जब होता है उसकी जो पूरा का पूरा एक मूवमेंट, जो एक स्प्रॉलिंग होती है, जब शहर की स्प्रॉलिंग होती है तो जगह ज़्यादा दिख देता है, जब शहर का प्लान डेवलपमेंट होता है तो शहर का वो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे नए नए जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन हों, फैक्ट्रीज हों, या हमारे लोगों के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हों, वो सारे के सारे वर्टिकल बनते हैं, और वर्टिकल बनने में हमें जगह कम लगती है। इनफैक्ट उसी शहर में, और इसको उदाहरण के लिए आप जैसे मैंने अपने दिल्ली में, अब आप देखें कि हमारी जो सरकारी कॉलोनी हुआ करती थी, इतने सारे लोग, अगर आप एक एग्जाम्पल स्थित वही नगर का देखें, पहले उस इलाके में हार्डली कुछ लोग रहा करते थे, आज वहाँ पे करीब 5,000 लोग। उसी जगह को सही तरीके से प्लान करके डेवलप किया, और ये नया भारत है, ये हमारा होने वाला विकसित भारत है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने के हिसाब से विकसित भारत है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है एक नया उत्तर प्रदेश है, उस नए उत्तर प्रदेश का नया शहर है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मेयर साहबान, हमारे अध्यक्ष या हमारे जो तमाम सारे जो नए नए चुने गए सभासदगण चुने गए, अगर इस मार्ग पे चलेंगे, एक बहुत बड़ी संभावना है जिसको पूरे देश ने दिखाया और जिसको हमारा उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। तो हम जो पहले मैंने बात कही कि मिशन टू मूवमेंट, जो स्मार्ट सिटी का जो लर्निंग है, स्मार्ट सिटी के लर्निंग को पूरे प्रदेश के सर है, एक शहर को, हर शहर को हमें स्मार्ट बनाना है, और ये हमारे अध्यक्ष हमारे जो लोग वो करेंगे। तो इसलिए इस गलत धारणा पे बिल्कुल न पड़िए कि उससे गाँव कम होने वाले, गाँव का महत्व और बढ़ जाएगा, गाँव और शहर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे,
आप वहाँ के उत्पाद ऐसे उत्पाद करेंगे जो शहरों में कंज्यूम हो, उनके गाँव की अर्थव्यवस्था और ताकतवर बनेगी कि जिससे कि वो चाहे मछली बनाए तो और मछली अच्छी बेहतर बनाए, और ज़्यादा मछली पैदा करें, और ज़्यादा बेहतर अनाज पैदा करें, और ज़्यादा मिलेट्स जो हमारे जो श्री अन्न है उसको ज़्यादा पैदा करें। ये सारी पैदावार बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, लेकिन लोगों की वहाँ पे नंबर कटेगी, ठीक है, वहाँ भी हमारे गाँव की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर।